हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 गट्टी पालक को धोकर बॉईल करने रख दिया है। पालक बॉईल हो गई है, अब हम इसको मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। पालक पीस लिए, इसे बनाने के लिए हमने 400 ग्राम पनीर लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, 1 टमाटर कटा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला। एक कैसरोल में हम 1 कप ऑयल डालेंगे और कटी हुई प्याज फ्राई करने डालेंगे। प्याज गोल्डन हो गई है, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। सॉरी, ये मैं इंग्रेडिएंट्स की टेबल पे रखना भूल गई थी। अब इसमें चॉप किया टमाटर डालकर चलाते रहेंगे। और इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले को अच्छे से भून सकें। मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें पिसी हुई पालक ऐड करके 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने छोड़ देंगे। पालक अच्छे से पक गई है, अब हम इसमें पनीर क्यूब्स ऐड करके लिड लगाकर 5 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। तो ये देखिए, हमारी पालक पनीर बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।